यहाँ ड्यूटी करने वाले सोल्जर्स की मृत्यु हो जाती है गोलियों से नहीं ठंड से। तो पाकिस्तान अपनी सेना भेज दी, भारत का तो हालत खराब हो गया। यहाँ लड़ने के लिए हमारे पास उतने ठंड वाले कपड़े नहीं थे, भारतीय सेना जो थी। देखिए जम्मू कश्मीर का ये एरिया जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, सियाचिन। सियाचिन कौन सा जगह है? सियाचिन। सियाचिन में इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती कि यहाँ ड्यूटी करने वाले सोल्जर्स की मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं गोलियों से नहीं बल्कि ठंड से। अब यहाँ पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बीच में यह जगह है, दोनों क्योंकि हमारा ही है यहाँ पर, लेकिन अभी उस पर इलीगल कब्जा पाकिस्तान का है। तो ये दोनों जो है जगह, ये दोनों यहाँ पे हम लोग सेना रखते हैं। तो हम लोगों के बीच एक एग्रीमेंट था कि यहाँ से ठंड के दिन में सेना पाकिस्तान लौटा लेगा, यहाँ से हम लोग भी लौटा लेंगे। हम दोनों के बीच में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था कि हम लोग अपनी सेना लौटा लेते थे। लेकिन 1984 में हम लोग अपनी सेना लौटाएं और पाकिस्तान भी अपनी सेना लौटाया। बाद में उसने क्या किया, यहाँ अपनी सेना को भेज दिया, वापस सेना को क्या कर दिया, भेज दिया, और सेना के आतंकवादी को भेज दिया। तो वहाँ आतंकवादी और आदमी और सेना में अंतर क्या होता है? सब तो आतंकवादी हैं सब वहाँ पे, उसमें क्या ही अंतर है, ज़्यादा का अंतर नहीं है ना वहाँ पे। बिना मतलब का वो सब उल्टा छोटे छोटे बच्चा सबको देखिएगा तभी उनसे का मेंटेलिटी अलग टाइप का होता है। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, जब आपके समाज को कोई धार्मिक व्यक्ति लीड करेगा तो समाज बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब धार्मिक मुद्दों के आधार पर, केवल धार्मिक मुद्दों, क्योंकि धार्मिक चीज़ों में ना इनोवेशन नहीं होता है, चीज़ें नहीं होती। बस जितना पुराना रहेगा, आयुर्वेदिक दवाई और धार्मिक मुद्दे जितना पुराना रहेगा ना, बड़ी दिक्कत होता है यहाँ पर। तो धार्मिक व्यक्ति तो भाई सब लोग धार्मिक ही होते हैं, मतलब धार्मिक आधार पर, धार्मिक मुद्दों पर, आप समझ रहे हैं ना। अब व्यक्ति तो सब लोग धार्मिक ही होते हैं भैया, किसी भी धर्म के हो, धर्म घर में रखो, लेकिन अब केवल यही मुद्दा रखोगे। पाकिस्तान में मुद्दा क्या हो गया, धार्मिक हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर। अब यहाँ पाकिस्तान आगे आ गया यहाँ पर। अब जब यहाँ पाकिस्तान आ गया 1984 में पाकिस्तान यहाँ आ गया। अब हम लोग जाएं कैसे यहाँ पर, और यहाँ पे ठंड होता है -60 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री। 10 या 20 सीटी दीजिएगा तो आलू उबलता है, 10 या 20 सीटी में आलू उबलता है। अगर थूकिएगा ना तो जमीन पे गिरने से पहले जम जाएगा, थूक दीजिए किसी को तो चोट लगेगा उसको। वहाँ दाढ़ी बनाना नहीं दिया जाता है ताकि ये ठंड रोक लेता है। दाढ़ी में कहाँ ठंडा लगता है, लड़की लोग में बाल में जो सर पे रहता है ठंडा लगता है, रोक लेता है कि नहीं बाल वगैरह, यहाँ पे बाल ठंड रोक लेगा। आप लोग का तो बाल बड़ा रहेगा, इसे खोल के कान के पास ढक लीजिएगा तो हवा जाएगा, नहीं जाएगा। आप लोग में तो दाढ़ी नहीं है तो पता कैसे चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज पते दाढ़ी में थोड़ा भी ठंडा नहीं लगता, थोड़ा भी, यहाँ पे हवा जाता है जी, जो रखता है दाढ़ी उसको पता है ठंडे नहीं लगेगा इसमें। आप हाँ कंबल कंबल नहीं है, ई का टांग रहे बाबू। तो पाकिस्तान यहाँ पर क्या हुआ, अपनी सेना भेज दिया। अब यहाँ लड़ने के लिए हमारे पास उतने ठंड वाले कपड़े नहीं थे क्योंकि हम दोनों में समझौता था। अब ये कपड़ा बनाता था नॉर्वे नाम का देश, कौन बनाता था, नॉर्वे नामक देश। अब नॉर्वे के पास हुआ कि भैया अब यहाँ पे तो पाकिस्तानियों को भगाना पड़ेगा, तो पता चला कि भाई ये कपड़े कौन देगा, नॉर्वे। तो भारत सरकार गई नॉर्वे में कपड़ों का सैंपल देखने के लिए कि कौन कपड़ा रहेगा, किस साइज का लेना पड़ेगा, कितना प्राइस रहेगा, नेगोशिएशन होगा। तो भारत सरकार नेगोशिएशन वगैरह सब कर और के जब फाइनल ऑर्डर देने गई तो नॉर्वे नामक देश कह रहा है कि अभी हम ये डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, 2 साल बाद देंगे, हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्डर अभी पेंडिंग में है, पहले उनको क्लियर करेंगे। तो भारत ने पूछा कि किस देश से ज्यादा ऑर्डर है, तो कह रहा है पाकिस्तान से। भारत का तो हालत खराब हो गया कि भई हमारे पास लड़ने के लिए उस लायक कपड़े भी नहीं थे जो उतने ठंड को रोक सके। अब हम लोग के पास यही समस्या था, अगर इंतजार करते तो पाकिस्तान के पास वो कपड़े भी आ जाते, और जो पाकिस्तानी सोल्जर वहां गए थे वहां उनके पास पहले से वो कपड़े थे। पाकिस्तानी जो वहां लड़ रहे थे ना, वो लोग पहले से प्लान, 5 साल पहले से प्लान बनाए थे कि हम लोग सियाचिन पे क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। अब भारतीय सेना जो थी इधर से ऑपरेशन राजीव चालू करती है, क्या चालू करती है, ऑपरेशन, और यहां से भारतीय सेना इन्हीं कपड़ों में पहुंच जाती है, कहां पर, सियाचिन ग्लेशियर, यही जो ठंड वाले कपड़े होते हैं इसके लिए। हालांकि ये ठंड रोकने के लिए उतना सुटेबल नहीं होते, वहां हाइपोक्सिया हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है, और ठंड इतना रहता है, हवा भी इतनी नमी रहती है, सांस लेते जाएंगे तो पानी भरने लगता है फेफड़ा में,
पानी भरने, तो उतना नॉर्मल ह्यूमिडिटी रहेगी तो बाहर चलाओ तो ठंड एकदम भर जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, पानी भर जाएगा तो सांस ज्यादा नहीं जाएगा, सांस नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वैसे भी हाइट पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। तो वहां सैनिकों को क्या होने लगा, हाइपोक्सिया होने लगा। उसके बावजूद सैनिक वहां पहुंचे। अब जब वहां सैनिक पहुंचे थे तो टेंट डाल के वहां सैनिक सफेद रंग का टेंट होता है डालते वहां रहे, रेडियो सिग्नल नहीं देना होता है वहां पे, रेडियो सिग्नल बोलेंगे तो पकड़ में आ जाएगा यहाँ पे। अब वहां पे एक चंचल पांडे करके था एक सैनिक जिसकी पोस्ट पे ड्यूटी थी रात में, तो वहां पर जब वो ड्यूटी कर रहे थे तो एक पाकिस्तानी गोली चलाया गया, तो एक पाकिस्तानी जब गोली चलाया ना तो इन्होंने देख लिया ईवी इधर से गोली चला दिए, तो वो गोली डायरेक्ट आके इनको लग गई, चंचल या चुनमुन करके ऐसे करके नाम, तो गोली लग गई डायरेक्ट, और डायरेक्ट गोली लगी लेकिन इधर से गोली चला दिए थे। अब जब गोली चला दिए ना तो गोली की आवाज सुन के जो हमारे बाकी के फौजी थे वो लोग जग गए, और वो जगने के बाद मारे पाकिस्तानियों को सब तहस नहस हो गया, सब मर गया, सब वहां पे पाकिस्तानी सब मर गया। अब भारतीय सेना जो ठंड से कांप रही थी, जो मर गए सब, उन सब के बाद नॉर्वे का बना हुआ कपड़ा था उन सब को उघाड़े कर दिया, और ठंड वाला जो कपड़ा था कौन पहन लिया, भारतीय सेना पहन ली वहां पर। अब भारतीय सेना जब पहुंच ली तो सारे कपड़े एकदम रेडी हो गए, यहाँ पर सारे लोग रेडी हो गए। अब उधर से पाकिस्तानी आ रहे हैं सब, ये सोचकर कि यहाँ पे तो इंडियन आर्मी जिंदा ही नहीं बच सकती है, कपड़े ही नहीं है, तो खाना पीना दे रहे थे सब यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं। कारगिल और सियाचिन की लड़ाइयों में पाकिस्तान कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जो कारगिल और सियाचिन की लड़ाई में पाकिस्तान इस बात से कंफ्यूज हो गया कि भारतीय सेना में जो मुस्लिम सैनिक थे जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो पाकिस्तानियों को लगा कि ये पाकिस्तानी आर्मी है, वो बैला सब हेलीकॉप्टर से खाना गिराने लगा, सब खाओ खाओ खाना खाओ खाना खाओ, इंडियन आर्मी मारी धो के रद्द कर दी यहाँ पर। अब पूरे पोस्ट पर कब्जा किसका हो गया है, इंडियन आर्मी। पाकिस्तानियों के पास हथियार था, वो पहले से पहुंचे थे, उनके पास नॉर्वे का बना हुआ कपड़ा था, इसके बावजूद सारे के सारे पाकिस्तानी मारे गए और हम लोग का एक जवान शहीद हुए थे, और वो भी शहीद होते हो तो अगर गोली नहीं चलाए रहते तो ये लोग सोए रहते, समझा गया, थक के सोए हुए थे। एक आदमी संतरी की ड्यूटी लगी रहती, कभी भी पूरी फौज नहीं सोती है बाहर ड्यूटी, अगर नहीं चलाए रहते तो वो तो गोली दूर से चलाया था, उसकी आवाज आती नहीं, इनका इन लग जाता यहाँ पे, अगर नहीं चलाए रहते तो सोए रहते लोग। तो सोचिए गोली लगने के बाद भी अपना काम करते गए, तड़तड़ा के मार दिए, यही दो तीन ठोक मार दिए हुए थे यहाँ पर, उसके बाद ये लोग जगे, फिर उसके बाद मार दिए, बाद में पता चला बाप तो बाप होता है नहीं जाना गया, मरा गया सब पाकिस्तान वाले वहां पर। यूएनओ वगैरह, अब देखिए उसको हम लोग को दिक्कत क्या है, पाकिस्तानी फौज से प्रॉब्लम नहीं है भाई, आतंकवाद क्यों भेज देते हो। जैसे ताज होटल में जो लोग मासूम गए थे, कोई दूसरे देश से आया था, कोई छोटा बच्चा था, मार दिया उसको, दिक्कत इससे है, ट्रेन में बम फोड़ दोगे। अमरनाथ यात्रा करने कोई जा रहा है उसको मार दो, वैष्णो देवी जा रहे हैं उनको मार देगा, कश्मीर में आके चौराहे पे तड़तड़ा के गोली चल जाएगा भाई, प्रॉब्लम इससे है। तुम्हें लड़ना है तो तुम लड़ो ना, कब मना किए हैं, ऐलाने जंग करो आज का आज ही लड़ लो, समझा गया कि नहीं आ गया। सियाचिन पे अभी इंडिया कब्जा है, किसका कब्जा है, इंडिया, अभी भी कपड़वा रखा हुआ है इंडियन आर्मी के म्यूजियम में समझा गया कि नहीं आ गया, और उन सबको दफना दिया गया। इंडियन आर्मी जब भी पकड़ती है तो उन सबको दफनाती है इज्जत से, जबकि पाकिस्तान वाले ऐसा नहीं करते, हम लोग का सैनिकों को पकड़ते सर और काट के लेके चल जाते हैं, कभी कान काट लेगा, सर काट लेगा, सब बदतमीजी करते हैं सर लाश के साथ, वो सब ये गलत बात है, पाकिस्तानियों को क्या कीजिएगा, अजय बकलोल बकलोल है ये सब, उन सबको आता क्या है बिरयानी बनाने। पंचशील समझौता चाइना के साथ हुआ था बाबू, भारत के साथ नहीं हुआ, तो यहाँ ऑपरेशन क्या चला गया, राजीव, कौन सा ऑपरेशन, किस चीज के लिए, सियाचिन के लिए, से 1984 ऑपरेशन राजीव, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन राजीव ऑपरेशन मेघदूत दोनों इसी का था, समझा गया, मेन ऑपरेशन का नाम था मेघदूत, मेन ऑपरेशन का नाम मेघदूत, मेघदूत राजीव मेन बोल दिए क्या, हाँ तो मेन ऑपरेशन था ऑपरेशन मेघदूत।